चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अच्छा, आज जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है पहला, वो प्रेशर का है कि प्रेशर क्या होता है बेसिकली, और इसके क्या मतलब, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, किसी भी एरिया पे फोर्स लगाई जाए, ठीक है, किसी भी एरिया पे फोर्स लगाई जाए तो क्या लगाया जा रहा है, उस पर प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है, ठीक है। मतलब कोई एक एरिया है जिसमें मैं लिक्विड के ज़रिए कर रहा हूँ, कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ पिस्टन के ज़रिए, ठीक है, वो सारा किसके ज़िम्मे में आता है, प्रेशर के उसमें आता है। और आपसे कहा जाएगा बेटा, सवाल इस तरह से आता है, डिफाइन प्रेशर, राइट डाउन इट्स फॉर्म्यूला एंड यूनिट्स, ठीक है। चार नंबर का जो शॉर्ट आता है आपके पास, उसमें प्रेशर को डिफाइन करना होगा, उसका फॉर्मूला लिखना होगा, उसका यूनिट लिखना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। फोर्स और एरिया का एक रिलेशन है बेसिकली, ये रेशो कहलाता है, फोर्स और एरिया का, कि कितने एरिया पे कितनी फोर्स जो है हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। लिखना शुरू कीजिए। द प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इस हिसाब से जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसका फॉर्मूला क्या बना, फोर्स पर एरिया, यानी P इज इक्वल टू फॉर्मूला के डालिए F अपॉन A, यही है ना, डेफिनेशन याद हो जाएगी, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। उसके बाद बेटा इसके यूनिट पे आते हैं, बताइए क्या होना चाहिए, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, जो के क्या होता है भाई, यूनिट की हेडिंग डालेंगे हम, और क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, पास्कल, अभी पढ़ेंगे ये भी, पास्कल्स प्रिंसिपल। प्रेशर से रिलेटेड इन्होंने थ्योरी पेश की थी, इनको कुछ सूझी थी तो इन्होंने जो है थ्योरी दे दी, हाँ वो क्या थी वो बताता हूँ भाई। क्या यूनिट है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, पास्कल के बराबर होता है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। अब हेडिंग डालिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देखते हैं डेफिनेशन है ये बेटा, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो वेट होता है वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो अगर कोई प्रेशर लगाती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो वेट होता है वो किस पे फोर्स लगाती है, सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कहने का मकसद है जो हमारे इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर चल रहा है, जो सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, उनका भी पूरा एक प्रेशर होता है, मतलब हवा का कह लो या किसी और चीज़ का कह लो, ठीक है, मतलब मॉइस्चर है, तो ये सारी चीज़ों का जो प्रेशर एग्जर्ट होता है किस पे, सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन पे जो इसका प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक, ठीक है। ये प्रेशर अलग है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, दोबारा बता दूं कि जो एटमॉस्फेयर का वेट है वो अर्थ पे क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, द फोर्स एग्जर्टेड, द फोर्स एग्जर्टेड, द फोर्स एग्जर्टेड बाय
द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जेड नहीं आता ही हाँ स्पेलिंग की ही कह रहा था जेड नहीं आता सही है हेडिंग डालिए बैरोमीटर एक्चुअली बैरोमीटर क्या है बताइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है जो ठीक है एक वो इंस्ट्रूमेंट है वो डिवाइस है जो किसको नापता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास अराउंड द अर्थ कितना चल रहा है वो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं बैरोमीटर ठीक है वो डिवाइस जो किसको नापे एटीएम प्रेशर को नापे उसे क्या कहते हैं लिखिए द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर ओके हो गया अब हमारे पास आता है बेटा पेस्कल्स प्रिंसिपल का टॉपिक इसकी एक नंबर की स्टेटमेंट भी आ सकती है और आपसे ये भी कहा जा सकता है कि स्टेटमेंट के साथ साथ इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो हैं उसको पूरा तरह से क्या करें डिस्कस करें ठीक है दो तरह से पूछा जा सकता है इस सवाल को एक तो या तो सिर्फ स्टेटमेंट दे देंगे एक मार्क की आएगी लेकिन वो बस ठीक है इसकी तीन एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो मोटरसाइकिल या किसी कार वगैरह में लगाया हुआ है ब्रेक सिस्टम है ठीक है दूसरी चीज़ क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस ठीक है ये तीनों चीज़ों का जो फंक्शंस हैं वो मैं बताऊंगा बारी बारी पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज पेस्कल्स प्रिंसिपल हेडिंग डालिए एक लॉ है एक कानून है जो किसने पेश किया था पेस्कल ने एक लिक्विड है ठीक है सुन लीजिए एक लिक्विड है उस पर मैंने फोर्स एग्जर्ट की सेंटर से ठीक है सेंटर से मैंने फोर्स एग्जर्ट की अब पेस्कल ने ये कहा था कि जो प्रेशर ये एग्जर्ट करेगा पिस्टन के ज़रिए वो चारों डायरेक्शंस में इक्वली जाएगा ठीक है मैंने सेंटर से उस पर फोर्स लगाए प्रेशर एग्जर्ट किया तो जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो चारों डायरेक्शंस में क्या होगा सेम होगा मतलब किसी डायरेक्शन में कम या ज़्यादा नहीं होगा सेंटर से किसी चीज़ पे प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा तो वो चारों डायरेक्शंस में क्या होगा सेम होगा ये कौन कहता है पेस्कल्स प्रिंसिपल ठीक है अब इसकी स्टेटमेंट लिखवाओ इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा लिक्विड्स ट्रांसमिट्स प्रेशर लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर
इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस. इट इज द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स प्रिंसिपल. लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस. मतलब चारों डायरेक्शन में इसका जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो इक्वल होगा. सही है, इसका मतलब ये हुआ. ठीक है, देयर आर थ्री एप्लीकेशंस. नीचे लिखिएगा, देयर आर थ्री एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स प्रिंसिपल. तीन इसकी एप्लीकेशंस हैं. पहली आती है हाइड्रोलिक ब्रेक, दूसरी आती है हाइड्रोलिक प्रेस, और तीसरी है हाइड्रोलिक लिफ्ट. उसके बाद आपने पहली हेडिंग डालनी है हाइड्रोलिक ब्रेक की. सही है, ये तीन लिख लीजिए पहले. उसके बाद पहली हेडिंग डालिएगा हाइड्रोलिक ब्रेक. बाद ओकात ये होता है कि स्टेट पास्कल्स प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन एनी टू ऑफ इट्स एप्लीकेशंस. ठीक है, मतलब कोई भी दो दे देंगे फिर आपको. ऐसे भी कह सकते हैं या किसी नाम के साथ दे देंगे, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक, ऐसे भी पूछ सकते हैं. सही है, हाइड्रोलिक लिफ्ट ब्रेक की जरा हेडिंग डालिए. पहले डिफाइन कीजिएगा, उसके बाद जो है इट इज द सिस्टम. एक सिस्टम है, इट इज द सिस्टम विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल्स. टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल्स. ठीक है, जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उसके पूरे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है. नाउ लिसन, एक इट इसमें होता क्या क्या है, पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसके बाद इसकी वर्किंग बताऊंगा. ठीक है, देखें, एक ट्यूब लगाई जाती है पेडल व्हील के साथ, एक ट्यूब को अटैच किया जाता है जिसे मास्टर साइलेंडर, बेटा सुन लो, एक ट्यूब लगाई जाती है पेडल के साथ और उसको मास्टर साइलेंडर के साथ अटैच कर दिया जाता है. एक साइलेंडर होता है जिसके जरिए ब्रेक ऑयल जो है वो कहाँ तक जाता है, व्हील्स के चार छोटे साइलेंडर लगाए जाते हैं. हर व्हील का अलग अलग साइलेंडर होता है जो कि मास्टर साइलेंडर से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं. तो अब क्या होता है कि जब पेडल पे व्हील पड़ता है, मतलब आपका जब फोर्स एग्जर्ट होती है, तो क्या होता है कि वो जो आपका ट्यूब होती है उससे निकल के ट्यूब वो किस में चला जाता है, साइलेंडर में चला जाता है. मास्टर साइलेंडर में जब जाएगा तो चारों डायरेक्शंस में, मतलब चारों व्हील्स में इक्वली आपका ब्रेक ऑयल क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है और आपका व्हील जो है वो स्टॉप हो जाता है. ये चक्कर है, दोबारा बता रहा हूँ. एक ट्यूब होती है उसे अटैच कर दिया जाता है किसके साथ, मास्टर साइलेंडर के साथ क्या किया जाता है, अटैच कर दिया जाता है. अटैच कर दिया, अब मास्टर साइलेंडर के साथ भी चार आपके पास क्या होते हैं, छोटे साइलेंडर लगाए जाते हैं जो कि हर व्हील में अलग अलग साइलेंडर जो है वो क्या हो रहा है, अटैच हुआ है. अब जैसे ही पेडल पे फोर्स एग्जर्ट होती है क्या होता है कि ट्यूब से निकल के ब्रेक ऑयल आपका किस में जाता है, मास्टर साइलेंडर में चला जाएगा और मास्टर साइलेंडर से चारों स्मॉल साइलेंडर्स में इक्वली जो है वो क्या होता है,
कॉइल आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे क्या होता है कि चारों व्हील्स आपके स्टॉप हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक रुकता है बाकी तीन चल रहे हैं, ठीक है। तो चारों जो है आपके क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो ये इसका सिस्टम है। तो ये किसके सिस्टम पे वर्क कर रहा है, ये वाले, है ना, क्योंकि जो ऑयल है आपका चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, पेस्कल्स प्रिंसिपल, ठीक है। देखना शुरू कीजिए, पहले कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डालिए। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ ट्यूब which is filled with the oil, which is filled with an oil called brake oil. Which is called brake oil. Full stop. The tube is attached with a master cylinder. The tube is attached with a master cylinder with a master cylinder which is further connected with four small cylinders each for a wheel. एक व्हील के लिए एक सिलेंडर है, ठीक है। Each for a wheel, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई जो मैंने बताई थी आपको, ठीक है। अब लिखिए जरा वो क्या, हाँ, वर्किंग लिखिए जरा इसकी। अब वर्किंग की हेडिंग डालिए। When a force is exerted, when a force is exerted by a driving person on a pedal, it exerts pressure on tube on a tube it exerts pressure on a tube the oil will move towards master cylinder through which it will spread away to the small cylinders of each wheel
विद एन इक्वल मैग्नीट्यूड, विद एन इक्वल मैग्नीट्यूड, फुल स्टॉप. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, as a result of this car will stop. Cool. ये चीज लिख लीजिएगा जरा. पेज नंबर 163 पे बी हाइड्रोलिक ब्रेक के नीचे बॉक्स में एक डायग्राम बनी हुई है, ये बना लीजिएगा. पेज नंबर 163 हाइड्रोलिक ब्रेक्स की हेडिंग भी डली हुई है, उसके नीचे इसकी एक डायग्राम बनी हुई है, ये बना लीजिएगा बस. ठीक है, चलो. पेज नंबर 163 पे बनी है, ये बना लीजिएगा आप लोग, इसके नीचे ही बना के लाइएगा. फिर हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट को डिफाइन करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग करेंगे. इनफ फॉर द डे.